देख रहे हैं एस पी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से। क्या अखिलेश यादव एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं? क्या आने वाले वक्त में विपक्ष मजबूत होता नजर आएगा? आने वाले वक्त में क्या विपक्ष को बड़ा फायदा मिलने वाला है? जी हाँ, दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर है कि महागठबंधन को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव बसपा सुप्रीमो मायावती कुंडा से निर्दलीय विधायक राजा भैया इस वक्त जो है वो मजबूत दिखते नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय के अंदर जिस तरह के हालात बने हैं, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रही है कि क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ी तस्वीर बदल सकती है। हालांकि इन दिनों देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, एक के बाद एक जिस तरीके से तस्वीर जो है वो बदलती चली जा रही है, ये जाहिर तौर पर बताता है, ये साफ तौर पर बताता है कि क्या एक उत्तर प्रदेश में विपक्ष का मजबूत होना बीजेपी के लिए एक बड़ा मुश्किल दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें, प्रदेश में जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी झटके पर झटका खा रही है। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, कई सीटों पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी को झटका लगा। उसके बाद की जो अब हम तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर जाहिर तौर पर बताती है, साफ तौर पर बताती है कि शायद अब बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। तो क्या जो बदलाव हो रहा है, क्या जो बदलाव की तस्वीर दिखाई दे रही है, ये इशारा करती है कि शायद अब वक्त जिस तरह से बदल रहा है, आने वाले वक्त में विपक्षी मजबूत होगा और बड़ा नुकसान सत्ता पक्ष को दिखता नजर आएगा। आज के लिए तो ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।